Hi everyone, now we will discuss our next term and that term is purchases. Right, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि purchases का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो पहले इसकी definition से देखते हैं. Purchases refer to the amount of goods. I hope आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आपको goods का meaning clear हो गया होगा. Right, goods मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें आप deal करते हैं, जो आपका business है वो चीज आपके लिए goods बन जाएगा. Right, तो it refers to the amount of goods bought by a business for resale or for use in the production. यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड्स हैं जिनसे क्या है, हमें पता लग रहा है कि परचेजेस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है. राइट, तो पहला वर्ड इसमें आ रहा है एक तो रीसेल का एंड दूसरा वर्ड आ रहा है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन. ठीक है, तो मैं दोनों वर्ड्स की बारी बारी से बात करूंगी. राइट, तो सबसे पहले बच्चों जब बात करते हैं रीसेल की, नो व्हाट डू यू मीन बाय रीसेल. रीसेल करना होता है पहले परचेज किया आपने और फिर आपने आगे बेच दिया किसी को. ठीक है, खरीद के आगे बेचना मतलब उसको बोलते हैं रीसेल करना. ठीक है, तो यहां पे आप एग्जांपल कैसे दे सकते हो परचेजेस की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. स्टेशनरी की एग्जांपल हम शुरू से चला रहे हैं तो उसी को ही कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है, स्टेशनरी की शॉप है. ठीक है, स्टेशनरी के शॉप में उसके पास बहुत सारी स्टेशनरी होती है, पेन होता है, पेंसिल है, मार्कर है, रजिस्टर्स है, कैलकुलेटर्स है, ऐसा बहुत कुछ होगा स्टेशनरी का. ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, वो जो दुकान का मालिक है, स्टेशनरी की दुकान का जो मालिक है, जिसकी वो दुकान है, क्या वो स्टेशनरी खुद बनाता है, खुद बनाता है पेन? नहीं, वो ये स्टेशनरी किसी ना किसी से परचेज करता होगा, है ना. तो पहले कहने का मतलब है कि जो स्टेशनरी की दुकान का मालिक है, जिसकी स्टेशनरी की शॉप है, वो दुकानदार पहले सारी स्टेशनरी को किसी और से परचेज करता होगा. ठीक है, उसके बाद वो सारी स्टेशनरी वो आगे कस्टमर्स को सेल करता है. इसका मतलब उसका जो पर्पस है वो क्या है, रीसेल करना. ठीक है, मतलब आगे किसी को बेचना. तो यहां पे क्या है, उसका पर्पस आ रहा है रीसेल. राइट, उसने जिससे परचेज किया होगा वो उसका सप्लायर होगा, अपने सप्लायर से सामान परचेज किया उसने स्टेशनरी का. ठीक है, वो बनाता होगा जिससे उसने परचेज किया. ठीक है, तो वो सीधा परचेज करेगा फिर वो आगे बेचेगा. तो जितनी स्टेशनरी वो बेच रहा है ना, पहले उसने परचेज किया तभी तो बेच रहा है, तो उसने जो चीज पहले ली है उसको हम बोलेंगे परचेजेस, जिसमें पर्पस क्या हो, रीसेल करने का पर्पस हो. उस दुकानदार ने परचेज किया क्या सोच के, किस पर्पस से उसने परचेज किया कि वो आगे रीसेल कर सके, इसको कस्टमर्स को बेच सके. ठीक है, तो यहां से जो पहला पर्पस है बच्चों वो हमारे सामने है और वो है रीसेल करना. इसमें आप शॉपकीपर की, किसी भी दुकानदार की आप इसमें एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब परचेजेस क्या होती है, वो चीजें, मैंने देखिए ध्यान से, वो गुड्स या वो चीजें, राइट, जो खरीदी जाती हैं दो पर्पस से. पहला पर्पस मैंने आपको बता दिया रीसेल. नाउ सेकंड पर्पस, वो क्या है, फॉर यूज इन द प्रोडक्शन. अब क्या होता है यार, कई बार क्या है, हमारा मानो कोई काम मैन्युफैक्चरिंग का ही है, है ना, कोई चीज हम बनाते हैं और आगे बेचते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई घर बनाता है. ठीक है, घर बनाया, घर बना के वो बेचते हैं, उनका काम ही यही है कि घर बना के बेचना है. ठीक है, पहले वो घर बनाते हैं फिर उसको आगे सेल कर देते हैं. राइट, तो यहाँ पे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, घर बनाने के लिए चाहिए ना सामान, कैसे घर बन जाता है. घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए. क्या चाहिए हमें, वी नीड सम रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा आपका, रेत आ जाएगी, है ना, मैं इसे हिंदी में लिख रही हूँ, रेत आ जाएगी, बजरी आ जाएगी, सीमेंट आ जाएगा. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए, है ना, किस चीज के लिए, घर बनाने के लिए. राइट, तो ये चीजें हम पहले परचेज करेंगे ना, रॉ मटेरियल, है ना. ये परचेज करने का हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे आप बताइए क्या पर्पस है, क्यों मैं रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह परचेज कर रही हूँ, मेरा दिमाग खराब है, क्यों परचेज कर रही हूँ मैं परचेज कर रही हूँ प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना चाहती हूँ मैं, इनके यूज से मैं एक घर बनाऊंगी. ठीक है, घर बना के मैं किसी को बेचूंगी. राइट, तो घर बनाने के लिए, घर बनाना इसका मतलब है प्रोडक्शन करने के लिए ये रॉ मटेरियल को परचेज कर रही हूं. इज इट क्लियर. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी कोई दुकान है, है ना, कोई स्टेशनरी की है, फर्नीचर की है, कोई भी मेरी दुकान है. राइट, और मैं जो सामान अपनी दुकान में रखती हूं पहले मैं उसको कहीं ना कहीं से परचेज करूंगी, खरीदूंगी, तभी तो कस्टमर्स को बेचूंगी. ठीक है, तो जिनसे मैंने खरीदा
तो वो वर्ड आ गया खरीदा, मतलब परचेज किया। तो मेरा परचेज करने का पर्पस क्या है यहाँ पे, रीसेल करना, कि उसी चीज को मैं आगे कस्टमर को बेच सकूं डायरेक्टली, क्योंकि उस चीज को मैं खुद नहीं बना रही हूं, मैं उसको पहले परचेज कर रही हूं। तो मुझे यहां पे परचेज करना पड़ा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है। एंड दूसरी मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैं मान लो घर बनाती हूँ, ठीक है, सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करती हूँ, उसकी हेल्प से घर बनता है, जब घर बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है फिर मैं उसको सेल कर देती हूँ, बेच देती हूँ, मेरा काम ही यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने रॉ मटेरियल लिया वो मैंने पहले परचेज किया होगा ना, कि जादू की छड़ी है चुटकी मारी और रॉ मटेरियल आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने किसी ना किसी से वो चीजें परचेज की होंगी, है ना, खरीदी होंगी, राइट। वो खरीदने का मेरा पर्पस क्या है इसमें, आप बता सकते हैं, प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये चीज होगी मेरी परचेज। आई होप आपको परचेजेस का जो है मीनिंग वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो परचेजेस मैं बात कर रही हूँ बच्चों अकाउंट में, अगर हम सिंपल परचेजेस बोल रहे हैं ना, तो ये परचेजेस में ना हमारे दोनों परचेजेस आती हैं, कैश परचेजेस भी आती हैं प्लस क्रेडिट परचेजेस भी आती हैं, ठीक है, कैश परचेजेस भी आती हैं प्लस क्रेडिट परचेजेस। याद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ट्रांजैक्शंस होती है दो तरह की होती है, कैश एंड क्रेडिट। और जो कैश ट्रांजैक्शंस होती है या तो हम उसमें परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे होंगे, अभी सेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अभी परचेज चल रहा है तो मैं परचेज की बात कर रही हूँ, या तो कैश में परचेज कर रहे हैं या तो क्रेडिट पे, और दोनों का सम उसको बोलते हैं परचेजेस, ठीक है। तो आई होप आपको परचेजेस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे परचेज रिटर्न का मीनिंग, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नीचे लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।